करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में कार्य कर रहे कर्मचारियों द्वारा आज डायरेक्टर ऑफिस के बाहर इकट्ठा होकर रोष व्यक्त किया गया व ऑफिस के गेट पर धरना दिया गया। कर्मचारियों द्वारा नए सुपरवाइजर के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौके पर महिला कर्मचारियों ने कहा कि इनके साथ बदतमीजी की जाती है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है और उन्होंने अपने चहेतों को नौकरी पर रखा है। वहीं पर कॉलेज में कार्य कर रहे कर्मचारियों द्वारा मेडिकल कॉलेज के प्रशासन से अनुरोध किया गया कि उनके साथ हो रहे शोषण को रोकते हुए और बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। इस मौके पर काफी संख्या में मेडिकल कॉलेज में कार्य कर रहे महिला व पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे। इस मामले में जब कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के निदेशक सुरेंद्र कश्यप से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ठेकेदारों को लताड़ भी लगाई है, जल्द ही मामला सुलट जाएगा। बदतमीजी करता है और हमारे टाइमिंग होने के प्रॉब्लम है, पंचिंग नहीं होने दे रहा। हम दूर से आते हैं, गांव से आज हमारे अटेंडेंस नहीं लगने दे रहा सुबह से। कारण क्या है, क्यों नहीं लगने दे रहा? टाइमिंग अपने आप चेंज कर दिया, कहता 9 से 5 का है। तो क्या ऐसा लगता है हटाया भी जा रहा है? हमारे बंदे भी हटा दिए हैं। अच्छा, तो बदतमीजी कर रहे हैं सर, पंचिंग नहीं होने दे रहा और सुपरवाइजर सब भी हटना चाहिए। क्या कहते हैं, क्या बदतमीजी करते हैं? कुछ भी बोलता नहीं, पंचिंग नहीं होने देता, मशीन खींच के रख लेगा हमारे पास। सुपरवाइजर आए हैं जी, वो हटना क्या मांग करते हैं आप? वो हटना चाहिए सब। तो स्वास्थ्य मंत्री या डायरेक्टर साहब से कुछ कहना चाहेंगे आप? सर उनके पास सो आए हैं, कुछ नहीं सुन रहा। इसके पीछे वजह क्या है, वजह क्या समझ रहे हैं आप? क्यों पता नहीं, पुराने नए बंदे लगा रहे, पुराने हटाए जा रहे, 15 बंदे हटा दिए पहले। क्या मांग करते हैं आप? कि हमारे पुराने बंदे लगाए जाए। सुने, पुराने बंदों को रखने की वजह में पैसे की डिमांड भी की गई है सर। हां जी हां जी। किन लोगों से की गई, कितने पैसे मांग रहे हैं? 15,000 15,000 मांग रहे हैं। सैलरी भी है, सैलरी भी है, सैलरी भी नहीं टाइम पे देते हमारे। सर वहाँ पे पानी पीने का भी टाइम नहीं मिलता, हम इतना काम करते हैं। अब क्या कह रहे हैं ये लोग? हम कहते हैं सर, अगर आप महीने वाइज या साल आप सबको चेंज कीजिए, अगर आपको इतनी दिक्कत है तो हमें चेंज ही नहीं किया जाता। और अब जो सुपरवाइजर है क्या कर रहा है आपके साथ? कहता है कि आप रिश्वत खाते हो। वो पैसे वैसे की बात कर रहा है कुछ ऐसी? हाँ जी, डिमांड कर रहे हैं पैसे? नहीं नहीं, हमारे डिमांड नहीं है, डिमांड हमारे। ध्यान से गिन लीजिए, यहाँ पे जो आप भी बैठे हैं वो 120 के करीब होंगे और ये टोटल टेंडर जो है वो 3 फर्मों को गया हुआ है। यहाँ तीनों टाइप के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। टोटल टेंडर में जो 3 फर्में हैं उनके 750-650 के करीब लोग आते हैं। इन लोगों के जो मुद्दे थे कि सुपरवाइज़र, जैसा कि इन्होंने आपको बताया और मैं सुन रहा था कि सुपरवाइज़र हमारे से गेट के ऊपर परेशानी क्रिएट करता है, वो इनको बता दिया गया है कि आप ही लोगों में से 10 आदमी एक आदमी को चुन के दे दें, मुझे तो सुपरवाइजर रखना है आपके थंब में। ये तो पहले भी आरोप लगे हैं कि जब इनको नौकरियों में लगाया गया, पैसे लेकर लगाए गए, और अब कुछ को लोग पहले भी हमें लगातार कहते रहे हैं कि नए सुपरवाइजर आए हैं, पैसे की डिमांड की जा रही है, 10 से 15,000 रुपये मांगे जा रहे हैं और अपने बंदों को लगाया जा रहा है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, संस्थान से एक बार लिस्ट लेके बड़ी ईमानदारी से उसको चेक किया जाए कि आदमी लगे ही कहाँ हैं, शिकायत कहाँ पे है निकलने की, क्या रिक्वेस्ट है। अगर 1 मिनट के डेमोंस्ट्रेशन के ऊपर यहाँ पे मीडिया खड़ा हो सकता है तो 16 तारीख से टेंडर है, इस हिसाब से तो बहुत शिकायतें होनी चाहिए थी और ये शिकायत ना संस्थान के पास है ना मीडिया के पास है। अभी मैं बड़ी ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, अब से पहले किसी ठेकेदार ने क्या किया होगा उसका जवाब संस्थान ही दे सकता है। मेरे को यहाँ ज्वाइन करने के ऊपर टेंडर लेने पे एक सिक्योरिटी डायरेक्टर की तरफ से मिली थी। डायरेक्टर के बारे में आप लोकल रहने वाले हो, अच्छी तरह से जानते होंगे कि यहाँ एक टेंडर बट किसी तरीके से नहीं होगा। तो डायरेक्टर साहब इनके बीच क्यों नहीं आए, यहाँ से चले गए, तो सुनवाई क्यों नहीं की, घंटे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? किसी अचानक किसी डेस्क के ऊपर जाने के कारण इन लोगों के आधा घंटा आने से पहले वो जा चुके थे। दूसरे भी कोई अधिकारी हैं, डायरेक्टर हैं, उनको बैठ कर संतुष्ट किया जा सकता है? बिल्कुल है सर, इनको ऊपर मैंने संतुष्ट करके बड़े आराम से नीचे भेजा था कि आपकी 2-3 दिक्कतें हैं जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि लोगों को निकाला जा रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ खड़े हुए लोगों में से कितने लोगों को निकाला गया है? इनकी डेली गेट के ऊपर हाजिरी लग रही है, प्रेजेंट का मतलब है कि आदमी लाइव है। ये सर बता रहे हैं कि ये निकाले गए हैं, मेरी आईडी बनी है कि बायोमेट्रिक पे और मेरी वॉट की नहीं लगी है, बढ़िया डॉक्यूमेंट रहने के लिए बोल रहे हैं सर। ये बोल रहे हैं आपके सामने कि इनको निकाला गया है, लेकिन क्या पत्र को आप यहाँ पे बैठे हुए पढ़ सकते हैं?
कि आपके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं पहुंचे और हरियाणा आरक्षण नीति स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा के तहत केपी ग्रुप 9 आपको 48 घंटे में बार बार बुलाने के बावजूद दोबारा चयनित प्रक्रिया में शामिल करने के लिए बुला रहा है। आपके उन लोगों को वहां पे संस्थान से बात करने के बाद यहां पूरे लेटर के अंदर जो इनको दिया गया है कहीं भी ये नहीं पाया जा रहा कि मैं आपको संस्थान से निकाल रहा हूं। आप इन आरोपों का प्लीज जरा ध्यान से देखिए। अभी हम खड़े हैं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के बाहर और यहाँ पर यहाँ के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है, जिसके चलते वो धरना दे रहे हैं ताकि उनकी नौकरी बरकरार रहे। सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी के साथ मैं निशा मंडान, समाचार एक्सप्रेस न्यूज़, करनाल।